हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भाग्यश्री। आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए रेसिपीज के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम वेज पिज्जा पॉकेट बनाने वाले हैं। आप इनको स्नैक्स में भी खा सकते हो, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आज मैं वेज पिज्जा पॉकेट बना रही हूँ, पर आप अपने पसंद के फीलिंग से भी इनको बना सकते हो। बच्चों को तो पिज्जा पॉकेट बहुत पसंद आते हैं, आप उनके बर्थडे पार्टीज में भी बनाकर दे सकते हो। और इनको बनाना बहुत ही इजी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो चलो आज हम वेज पिज्ज़ा पॉकेट बनाते हैं। हम पहले पिज्ज़ा पॉकेट के लिए पिज्ज़ा का डो बनाएंगे। इसके लिए हम पहले बाउल में ईस्ट लेंगे, फिर उसमें एक चम्मच शक्कर डालेंगे और फिर हल्का गुनगुना पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। दस मिनट बाद हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिव हुआ है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साइड में रखेंगे। अब हम मैदा में स्वादानुसार नमक मिलाकर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और मिक्स करके फिर उसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट डालकर अच्छे से उसको गूंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से हमें सॉफ्ट डो बनाना है। अब अच्छे से सॉफ्ट डो बनकर रेडी है, तो हम बाउल में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और डो को भी ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर क्लीनिंग फिल्म से बंद करेंगे। 1 या 2 घंटे के लिए हम उसको एक गर्म प्लेस पे फर्मेंट होने के लिए रखना है। अब हम फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 4 टमाटर को थोड़ा सा कट दिया है, पानी में 5 मिनट के लिए उबाल लिया है और फिर 5 मिनट के बाद अब हम इसके ऊपर की स्किन निकालेंगे और फिर इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे से पीस कर उसके एक टोमेटो की प्यूरी बनानी है। पैन में हम 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेंगे, आप यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हैं। फिर उसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे, अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। भूनने के बाद फिर उसमें स्मॉल साइज में कटा हुआ प्याज डालेंगे और उसको भी 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें हमने बनाई हुई टोमेटो की प्यूरी है वो डालेंगे और अच्छे से 2 मिनट तक उसको पका लेंगे। थोड़ा सा टमाटर का कच्चापन निकलना चाहिए। कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, फिर उसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे, स्मॉल साइज में कटा हुआ पनीर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की वेजिटेबल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस है वो डालेंगे, आप सॉस के बदले लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, हर्ब्स डालेंगे। हम पहले 1/2 चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे और 1/2 चम्मच बेजिल डालेंगे, आप यहाँ पर मिक्स हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें वेज पिज्ज़ा पॉकेट के लिए थोड़ा सा थिक वाला सॉस चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा ढक के उसको कुक कर लेंगे। 5 मिनट में हमारा सॉस रेडी हो गया है।
अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। हमारा पिज्ज़ा सॉस बनकर रेडी है। एक घंटे बाद हमारा डो अच्छे से फूल गया है। इसकी क्लीनिंग फिल्म निकालेंगे और थोड़ा सा डो को पंच करेंगे और एक मिनट तक अच्छे से उसको गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दो बड़े साइज के गोले बनाकर रख लेंगे। फिर एक बॉल को लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़क के उसको बेलेंगे। बेलने के बाद हम इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लेंगे और फिर बीच में एक कट देकर साइड से दो कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज रखेंगे और ऊपर से हमने बनाया हुआ पिज्ज़ा का सॉस है वो रखेंगे और फिर दूसरे पीस को उसके ऊपर रख के अच्छे से सभी साइड से क्लोज करना है। इस तरह से अच्छे से पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद हम फोर्क की मदद से उसको साइड से डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से और फिर बेकिंग ट्रे में रखेंगे। इस तरह से पॉकेट बनाने के बाद हम इसके ऊपर ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे और थोड़ा सा बेजिल डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप ऑलिव ऑयल की जगह पर बटर भी ले सकते हैं। हम पॉकेट के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद हम इनको ओवन में बेक कर लेंगे। इसके लिए हमने ओवन को 250 डिग्री पर 10 मिनट पहले ही प्रीहीट किया है। फिर इसमें पिज्ज़ा पॉकेट रखेंगे। 10 से 15 मिनट तक उसको बेक कर लेंगे। बेक होने के बाद हमारे पिज्ज़ा पॉकेट बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पिज्ज़ा पॉकेट बनकर रेडी हैं। हम एक कट करके देखते हैं। वाओ, हमारे पिज्ज़ा पॉकेट बनकर रेडी है। आप भी इसी तरीके से पिज़्ज़ा पॉकेट घर पर बनाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें।